हम लोग साइंस टू का सेकेंड चैप्टर देख रहे हैं, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट वन। ओके, हम लोगों ने कल क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा कि एक एकदम ब्रीफ नहीं जाऊंगा लेकिन एक शॉर्ट में बताऊंगा, ह्यूमन बॉडी को कोई भी काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारी सिस्टम्स होती है, सर्कुलेटरी है, रेस्पिरेटरी है, उसके बाद कौन से एक्सक्रीशन है, ये सारी सिस्टम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करती है बॉडी के अंदर। उनको काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। ओके, उनको काम करने के लिए, हमारी ह्यूमन बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। वो एनर्जी आती कहां से है? खाने में से। ओके, तो फूड में कौन सी चीजें होती है? देखो, आज थोड़ा सा पहले बेसिक लूंगा, उसके बाद थोड़ा जानेंगे। देखो, फूड में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, सॉरी फैट्स, लिपिड्स। हम लोग कोई भी खाना खा ले, उसके अंदर होता क्या है? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड लिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट का एक एग्जाम्पल देता हूं, ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट का एक एग्जाम्पल मैं तुम्हें देता हूं, ग्लूकोज। ये चीज याद रखना, ह्यूमन बॉडी को एनर्जी कहां से मिलती है? खाने में से। खाना मतलब क्या? हम लोग जो खाना खाते हैं उसका मतलब क्या, उसमें होता क्या है? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड लिपिड्स, ये चीजें खाने के अंदर होती है। ओके, कार्बोहाइड्रेट का एक एग्जाम्पल मैंने दिया, ग्लूकोज। ओके, हम लोगों ने कल ये भी सीखा, एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर मैं खाऊंगा तो बॉडी को कितना एनर्जी मिलेगा? 4 किलो कैलोरी। ओके, एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर मैं खाऊंगा, एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर मैं खाऊंगा तो मुझे कितना एनर्जी मिलेगा, मेरे बॉडी को कितना एनर्जी मिलेगा? 4 किलो कैलोरी। तो इतना तो क्लियर है, ये देखो, ये सब याद रखना है तुम्हें। फर्स्ट, अगर तुम्हें आगे की सारी चीजें सीखनी है तो ये चीजें तुम्हें याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट, ह्यूमन बॉडी को कोई भी काम परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? खाना खाते हैं, है ना? खाने में होता क्या है? खाने में होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड लिपिड्स। खाना मतलब क्या, ये तीन। कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल मैंने क्या दिया, ग्लूकोज, है ना? जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसमें शुगर लेवल होता है। ओके, याद रखना, उसे हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज। ओके, कल हम लोगों ने देखा था रेस्पिरेशन के बारे में। ओके, और क्या देखा था? रेस्पिरेशन के बारे में हम लोगों ने कल देखा था। ओके, रेस्पिरेशन के टाइप कितने हैं? रेस्पिरेशन दो टाइप्स थे इसके, एक बॉडी लेवल और एक सेल लेवल या सेल्यूलर लेवल। ओके, बॉडी लेवल मतलब क्या? देखो, रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स हैं? दो टाइप्स हैं, बॉडी लेवल एंड सेल्यूलर लेवल। बॉडी लेवल तो बहुत ज्यादा इजी है। बॉडी लेवल मतलब क्या? सराउंडिंग में जो ऑक्सीजन है उसे अंदर लेना एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, ये बॉडी लेवल तुम्हें पता है। सेल्यूलर लेवल मतलब क्या? सेल्यूलर लेवल मतलब क्या? देखो, सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है, ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, सारे के सारे सेल्स ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, याद रखना, या ऑक्सीजन नहीं भी लेते, ये भी होता है। एक चीज याद रखना, सेल भी रेस्पिरेशन करता है। बॉडी के अंदर दो जगह रेस्पिरेशन होता है, एक बॉडी लेवल और एक सेल लेवल। ओके, बॉडी लेवल मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। सेल लेवल में क्या होता है? सेल लेवल में फूड ऑक्सीडाइज होता है, फूड ऑक्सीडाइज। ओके, इसमें दो टाइप है, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। देखो, ये चीज तुम्हें याद रखनी है। देखो, मैंने तुम लोगों को क्या बोला,
मैंने तुम लोगों को बोला रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स हैं? दो टाइप्स है, एक बॉडी लेवल का रेस्पिरेशन, एक सेल लेवल का रेस्पिरेशन। बॉडी लेवल का रेस्पिरेशन मतलब क्या? ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। और सेल लेवल में क्या होता है? खाना क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है। खाना क्या होता है? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज मतलब क्या? अभी ये भी मैं तुम लोगों को जरा क्लियरली बता देता हूं। ऑक्सीडाइज मतलब खाने का ब्रेकडाउन होता है। खाने का क्या होता है? देखो सेल के अंदर खाना जाता है। देखो सेल रेस्पिरेशन देख रहे हैं हम लोग। क्या देख रहे हैं अभी? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। मतलब क्या है? मतलब है सेल के अंदर जो खाना जाता है वो क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन या विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। मतलब क्या है? पहले बता रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरे चैप्टर में यही सीखना है ऑलमोस्ट हमें। ओके, तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में फूड क्या होता है? ऑक्सीडाइज्ड। या ऑक्सीडाइज का मीनिंग भी मैं तुम लोगों को बताऊंगा। ओके, इसके दो टाइप्स है। खाना क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है। किधर? सेल के अंदर, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन या विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। आज हम लोग विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन देखेंगे, फूड ऑक्सीडाइज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। लेकिन पहले तो बेसिक टर्म्स है उसके बारे में देखेंगे। पहले तो फूड ऑक्सीडाइज मतलब क्या? ओके, ऑक्सीडाइज मतलब देखो, ऑक्सीडाइज मतलब क्या? सेल के अंदर जो खाना जाएगा वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होगा। ओके, उसका ब्रेक डाउन होगा और फॉर्म होगा एटीपी प्लस CO2 प्लस वॉटर। ये चीजें फॉर्म होंगी, याद रखना। ऑक्सीडेशन मतलब क्या? खाने का ऑक्सीडेशन मतलब क्या? खाना ब्रेक डाउन होगा, उससे क्या बनेगा? एटीपी बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा एंड पानी बनेगा। याद रखना, एटीपी को हम लोग बोलेंगे एनर्जी जो हमें लगती है काम करने के लिए। ओके, ये याद रखना। देखो अभी अभी थोड़ा क्लियर होना चाहिए, ध्यान दो। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके, तो खाना ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज होता है मतलब क्या? खाने का ब्रेकडाउन होता है। किधर होता है वो? सेल के अंदर। ओके, ये याद रखना है। खाने का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। खाना ऑक्सीडाइज होता है किधर? सेल के अंदर। ओके, ऑक्सीडाइज होता है मतलब क्या होता है? खाने का ब्रेकडाउन होता है सेल के अंदर। खाने का ब्रेकडाउन होता है और क्या तैयार होता है? एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड है, H2O मतलब पानी। इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन, खाने का ऑक्सीडेशन। ओके, खाना मेल्ट, खाना क्या होगा? ब्रेक होगा और उससे ये सारी चीजें मिलेंगी, उसे बोलेंगे फूड ऑक्सीडाइज हुआ, उसे हम लोग बोलेंगे फूड ऑक्सीडाइज हुआ। लेकिन इसके कितने मेथड है? दो मेथड है, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। मतलब क्या है? फूड ऑक्सीडाइज होगा मतलब फूड ब्रेक होगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, है ना? और क्या बनेगा? ये बनेगा, इसे बोलेंगे एनर्जी, एटीपी, एनर्जी बना, समझे? जो एनर्जी हम लोगों को काम करने के लिए यूज होता है। अभी विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या? फूड क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। फूड क्या होगा? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज मतलब फूड का ब्रेकडाउन होगा किधर? सेल के अंदर, विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन मतलब विदाउट, मतलब ऑक्सीजन का यूज किए बिना। फूड क्या होगा? ऑक्सीडाइज। फूड क्या होगा? ऑक्सीडाइज मतलब फूड ब्रेकडाउन होगा विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। और क्या तैयार होगा? तैयार होगा एनर्जी, एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड पानी। उसे ओके, ये समझे तुम लोगों को? तो हम लोग सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बारे में सीखने वाले हैं ये बात। तो ये पूरा पिक्चर क्लियर है? अगर तुम लोगों को नहीं समझा तो मुझे वापस पूछना ये चीज, क्योंकि ये दो पार्ट हमें सीखने हैं। ओके, एनर्जी तैयार, एटीपी मतलब क्या? एनर्जी। तो ये एनर्जी किधर तैयार हो रहा है? एनर्जी किधर तैयार हो रहा है? सेल के अंदर। एनर्जी किधर तैयार हो रहा है? सेल के अंदर, है ना? ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन में आ रहा है ना। तो एटीपी मतलब क्या?
एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये एनर्जी होता है ओके, जो हमारी ह्यूमन बॉडी को लगता है ना। ये एनर्जी कहां पे तैयार हो रहा है? सेल के अंदर, है ना, सेल के अंदर। एक तो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का यूज करके एनर्जी तैयार करना, है ना, एंड विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का यूज किए बिना एनर्जी को तैयार करना ओके। तो हम लोग आज यही सीखने वाले हैं, एनर्जी तैयार होगी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ओके। ये तुम्हें अभी तक समझा रहेगा। Carbohydrates of the food that we consume every day are mainly utilized for production of energy required for daily need. सही बात है। खाने के अंदर जो भी चीजें होती है, खाने के अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड्स, है ना। तो खाने के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसका यूज हम लोग एनर्जी बनाने के लिए करते हैं। सही बात है। हम लोग कोई भी खाना खाए उसके अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का एक एग्जाम्पल मैंने दिया, ग्लूकोज, है ना। तो खाने के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसका यूज हम एनर्जी बनाने के लिए यूज करते हैं, मतलब प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी के लिए करते हैं। आगे लिखा है, दिस एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अभी मैंने तुम लोगों को बताया ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है उसे क्या नाम दिया गया है? एटीपी। याद रखना, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो अब तक मुझे क्या पता चला कि हमारे बॉडी को एनर्जी की जरूरत है। वो एनर्जी कहां से आएगी? वो एनर्जी आएगी खाने में से। खाने में ऐसा क्या है? खाने में है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स का यूज करके क्या बनने वाला है? एनर्जी, जो हमारे डे टू डे लाइफ के लिए हमें जरूरी है ना। तो वो एनर्जी कौन से फॉर्म में बॉडी के अंदर तैयार होती है? एटीपी। कौन से फॉर्म में हमारे बॉडी में तैयार होती है? एटीपी। फॉर दिस पर्पज ग्लूकोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इज ऑक्सीडाइज स्टेप बाय स्टेप इन द सेल। मतलब क्या है? देखो, हम लोगों ने खाना खाया, देखो फूड, फूड के अंदर क्या है? कार्बोहाइड्रेट ओके। कार्बोहाइड्रेट का एक एग्जाम्पल क्या है? ग्लूकोज। तो वो क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। कौन ऑक्सीडाइज होने वाला है? कार्बोहाइड्रेट। मतलब क्या? ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा किसके अंदर? इन अ सेल। और इससे हमें क्या मिलेगा? एक तो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और क्या प्रोड्यूस होने वाला है? एटीपी। देखो फ्लो चार्ट समझा गया, बहुत ही इजी है। देखो वापिस एक बार देखते हैं। देखो हम लोग खाना खाएंगे, सही है। खाने में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का एक एग्जाम्पल है ग्लूकोज। तो हम लोग जो खाना खाएंगे, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट हम लोग खाएंगे, वो हमारे सारे सेल के पास पहुंचेगा, बॉडी के अंदर पहुंचेगा। यस। सेल का मेन काम क्या है? क्या तैयार करना? एटीपी। सेल का मेन काम क्या है? क्या प्रोड्यूस करना है? एटीपी। तो जब हम लोग खाना खाएंगे वो सारे सेल के पास जाएगा। सेल क्या करेगा? वो खाने को ऑक्सीडाइज करेगा। अभी मैंने फ्लो चार्ट बताया थोड़ी देर पहले। सेल के अंदर खाना गया, है ना। खाना कौन सा गया? कार्बोहाइड्रेट, है ना। खाने का होता क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का टाइप क्या है? ग्लूकोज। मतलब क्या है? जो भी हम लोग खाएंगे वो किसके पास जाएगा? ग्लूकोज का, सॉरी सेल के पास जाएगा। तो सेल क्या करेगा? ये ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेगा। कार्बोहाइड्रेट को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज मतलब क्या? खाने को वो ग्लूकोज को क्या करेगा? ब्रेक करेगा। ग्लूकोज को क्या करेगा? ब्रेक करेगा। और उससे क्या तैयार करेगा? एटीपी। उससे वो क्या तैयार करेगा? एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये पिक्चर क्लियर है क्या होने वाला है? देखो एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। ये हम लोग खाना खाने वाले हैं ओके। वो खाना किधर जाने वाला है? सेल के पास जाएगा, सही है। सेल क्या करेगा? खाने को ऑक्सीडाइज करेगा। जो खाना खाते हैं उसमें होता क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ही मतलब ग्लूकोज।
मतलब हम लोग जो खाना खाएंगे उसमें से ग्लूकोज किसके पास जाएगा, सेल के पास जाएगा। सेल क्या करेगा, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज करेगा मतलब क्या, उसको ब्रेक करेगा। ग्लूकोज को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, और उसमें से क्या बाहर निकालेगा, एनर्जी। उसमें से क्या बाहर निकालेगा, एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O, बराबर है ना। ऑक्सीडाइज होना मतलब क्या, ऑक्सीडाइज मतलब खाना ब्रेक डाउन होना और उसमें से क्या मिलना, एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम लोगों को यह बताया है, तो पिक्चर क्लियर है क्या होने वाला है। यही ये पैराग्राफ में लिखा है, ये पैराग्राफ में लिखा है हमारी डे टू डे लाइफ में हमें एनर्जी की जरूरत होती है। वो एनर्जी हमें किस में से मिलती है, खाने में से। खाने में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। एग्जाम्पल क्या है कार्बोहाइड्रेट का, ग्लूकोज। ओके, तो ये ग्लूकोज किसके पास जाता है, ग्लूकोज जाता है सेल्स के पास। देखो ग्लूकोज, ग्लूकोज किसके पास जाएगा, सेल के पास। ओके, सेल क्या करेगा, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेगा। देखो ग्लूकोज किसके पास गया, सेल के पास। सेल क्या करेगा, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज मतलब क्या, ग्लूकोज को तोड़ेगा, है ना, उसके छोटे छोटे पार्ट्स करेगा, और उसमें से क्या निकालेगा वो बाहर, एनर्जी। उसमें से वो क्या बाहर निकालेगा, एनर्जी। बट यहां पे दो टाइप है, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन या विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइज करेगा, देखो अभी यहां पे मैं मेन चीज लिखता हूं, विद द हेल्प ऑफ, यूज ऑक्सीजन, नो यूज ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान देना अभी, देखो हम लोग खाना खाएंगे, खाने में से, खाने में जो ग्लूकोज है वो किसके पास जाएगा, सेल के पास। हम लोग जो खाना खाएंगे उसमें से जो ग्लूकोज होता है वो किसके पास जाएगा, सेल के पास जाएगा। सेल क्या करेगा, ये ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज मतलब क्या, वो ग्लूकोज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने लगेगा। ओके, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो विद द हेल्प ऑफ, अगर ऑक्सीजन किया, देखो मतलब सेल क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज करेगा किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से। और क्या तैयार करेगा, एटीपी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी, सही है। अभी सेकेंड जो मेथड है, सेल क्या करेगा, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज मतलब पार्ट्स में डिवाइड करेगा, विदाउट दी हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, नो यूज ऑफ ऑक्सीजन। और क्या प्रोड्यूस करेगा, सेम एटीपी प्लस CO2 प्लस H2O, समझे। तो हम लोग ये देखने वाले हैं, यूज ऑफ ऑक्सीजन, इसे बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब क्या, कि सेल क्या कर रहा है, ऑक्सीजन का यूज कर रहा है, किसके लिए, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के लिए, ग्लूकोज में से एनर्जी निकालने के लिए, समझे। इन शॉर्ट क्या हो रहा है, सेल क्या करता है, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करता है। मतलब क्या है, ग्लूकोज को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करता है और उसमें से ऑक्सीजन निकालता है। उसमें से क्या निकालता है, सॉरी, उसमें से एनर्जी को निकालता है। एनर्जी मतलब क्या, एटीपी। लेकिन इसके लिए मैंने किसका यूज किया, ऑक्सीजन का, तो इसे बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, सेकेंड क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक मतलब क्या, ऑक्सीजन का यूज नहीं करेंगे हम लोग। सेल क्या करेगा, ऑक्सीजन का यूज नहीं करेगा। सीधा सेल क्या करेगा, ग्लूकोज को लेगा, उसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज मतलब क्या, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करेगा, किसको, ग्लूकोज को। उसके लिए वो ऑक्सीजन का यूज करेगा क्या, नहीं करेगा। ब्रेक करके वो क्या तैयार करेगा, ये एनर्जी को, एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड H2O। तो ऑक्सीजन का यूज किया क्या, नहीं, इसे बोलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो हम लोग सीखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। देखो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, यूजिंग ऑक्सीजन, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी को तैयार करना यूजिंग ऑक्सीजन, ये आज हम लोग सीखने वाले। ओके, अभी ध्यान दो,
ये सिखाने से पहले कुछ टर्म्स है जो तुम्हें पता नहीं है, वो मैं तुम्हें बताने वाला हूं। देखो, एंजाइम और कोएंजाइम। एंजाइम मतलब क्या? देखो, ये टर्म्स नाइन्थ में भी आए रहेंगे। 99% लोगों को एंजाइम मतलब क्या, मतलब बच्चों को तो पता ही नहीं रहता कि है क्या ये। ओके, तो पहले तो एंजाइम मतलब क्या, देखो आगे सीख लेंगे बहुत कुछ, लेकिन पहले एंजाइम मतलब क्या वो जान लेते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं। देखो, एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ओके, एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, वो दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन दोनों के पेरेंट्स शादी के अगेंस्ट है। ओके, एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन पेरेंट्स एक दूसरे के, मतलब वो शादी होने नहीं देना चाहते, मतलब वो दोनों का शादी थोड़ा सा क्रिटिकल है, मतलब होना मुश्किल है। समझे मुझे क्या बोलना है? लड़का है, लड़की है, दोनों को शादी करनी है, पेरेंट्स रेडी नहीं है, तो शादी हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, थोड़ा शादी होना थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन ये लड़का और लड़की का एक दोस्त आता है बीच में, वो क्या करता है, दोनों की हेल्प करके उनकी शादी करा देता है। तो वो जो लड़का हुआ ना, जो आके हेल्प करके गया, वो है एंजाइम। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एंजाइम। चीज याद रखना, मैंने मुझे क्या बोलना है, ये एग्जांपल क्यों दिया ये भी मैं बताता हूं। देखो, ये एग्जांपल को तुम लोग याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। ओके, एक लड़का है, एक लड़की है, ओके, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों को शादी भी करनी है, लेकिन पेरेंट्स रेडी नहीं है, शादी हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। तो दोनों, मतलब लड़का और लड़की का एक फ्रेंड था, उसने क्या किया, दोनों की शादी कराने के लिए हेल्प कर दी, उनकी शादी हो गई। तो जो जिसने हेल्प की ना, वो जो लड़का है, उसे हम लोग बोलेंगे एंजाइम। एंजाइम भी सेम तरह का काम करता है, यह याद रखना, एंजाइम या को एंजाइम। ओके, अभी एक्चुअल टॉपिक के ऊपर आते हैं। देखो, समझो एक केमिकल है, ए केमिकल, केमिकल तो पता है ना, ठीक है, और बी केमिकल है। ओके, केमिकल ए है एंड केमिकल बी है। मैंने दोनों का रिएक्शन करने की कोशिश की, मतलब क्या है, मैंने सिंपल है, मैंने एक पॉट लिया, दोनों को इसमें डाल दिया, ए एंड बी दोनों को डाल दिया और हीट दिया, कुछ नहीं हुआ, दोनों का रिएक्शन ही नहीं हुआ, दोनों का रिएक्शन ही नहीं हुआ। देखो मैंने क्या किया, केमिकल ए लिया, केमिकल बी लिया, दोनों का रिएक्शन ही नहीं हुआ। जैसे लड़का लड़की, दोनों को शादी करनी है लेकिन हो नहीं रही है ना, क्या बोला समझा, लड़का लड़की दोनों को शादी करनी है लेकिन हो नहीं रही है ना। केमिकल ए, केमिकल बी, दोनों को एक साथ मिलाना है मुझे रिएक्शन करके, लेकिन हो नहीं रहा, वैसे कुछ भी नहीं हो रहा। तो मैं क्या करूंगा, एक तीसरी चीज को ऐड कर दूंगा, मतलब समझो इसमें ये दोनों में मैंने सी को डाल दिया। जैसे ये लड़का और लड़की के बीच में एक लड़का आ गया हेल्प करने के लिए, ये दोनों की क्या हो गई, फिर शादी हो गई। सेम ए एंड बी एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं हो रहे, उनका रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो मैंने किसको ऐड कर दिया, सी को ऐड कर दिया। तो सी क्या करेगा, ए एंड बी को हेल्प करेगा रिएक्शन करने के लिए। सी क्या करेगा, ए एंड बी को हेल्प करेगा काहे के लिए, रिएक्शन करने के लिए। जब मैंने सी को डाल दिया ना, ये दोनों का रिएक्शन हो गया, ए एंड बी का रिएक्शन हो गया, तो सी क्या बन गया, एंजाइम या कोएंजाइम। सी क्या बन गया, एंजाइम। मतलब क्या है, एक ऐसी चीज जो रिएक्शन के लिए हेल्प कर दे, ऐसी चीज जो रिएक्शन करने के लिए हेल्प कर दे, वो होता है एंजाइम या कैटलिस्ट, उसे कैटलिस्ट भी बोलते हैं, याद रखना। तो
समझा, वो लड़का लड़की का एग्जाम्पल याद रखना, लड़का है लड़की है शादी करनी है नहीं हो रही, बीच में एक दोस्त आया दोनों की शादी कर दी हेल्प करके, सेम केमिकल ए है बी है दोनों का रिएक्शन नहीं हो रहा, तो एक सी करके एलिमेंट आया उसने दोनों की हेल्प कर दी और दोनों का रिएक्शन बन गया, तो सी क्या बन गया एंजाइम, ये याद रखना। ओके तो आगे हम लोग कुछ एंजाइम्स के बारे में भी पढ़ने वाले, देखो NADH2 FADH2 एंड एसिटाइल को एंजाइम ए, देखो ये एंजाइम के एग्जाम्पल्स है, किसके एंजाइम के, किसके एग्जाम्पल है NADH2 FADH2 एसिटाइल को एंजाइम ए, ये क्या है एंजाइम्स है, मतलब ये रिएक्शन करने के लिए क्या करेंगे हेल्प करेंगे, समझे। अभी मैंने एंजाइम मतलब क्या वो समझाया ना, तो ये तीन एग्जाम्पल याद रखना, ये आगे आने वाला है NADH2 FADH2 एसिटाइल को एंजाइम ए, तो एंजाइम क्या करते हैं रिएक्शन होने के लिए हेल्प करते हैं या रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हेल्प करते हैं, समझे। तो ये एंजाइम्स है, ये याद रखना। ओके अभी बेसिक तो मैंने बता दिया है, अभी हम लोग देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, विथ ऑक्सीजन। देखो तो अभी तक क्लियर हो गया एनर्जी किस किसके अंदर बनने वाला है, एनर्जी सेल के अंदर बनने वाला है, सही है ना, क्योंकि ग्लूकोज किसके पास जाता है सेल के अंदर जाता है, सेल क्या करता है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन मतलब क्या ऑक्सीडाइज है ना, ऑक्सीडाइज करता है और उसमें से क्या बाहर निकालता है, उसमें से निकालता है बाहर एनर्जी को, है ना। तो हम लोग वही देखने वाले हैं प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी विद ऑक्सीजन, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, पहला स्टेप क्या है ग्लाइकोलाइसिस, तो पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस अकरिंग साइटोप्लाज्म। देखो ये तुम्हारा सेल है, सेल देखो ये होता है सेल वॉल, ये क्या होता है ये अंदर का जो वॉल लग है वो क्या है सेल मेम्ब्रेन, ये तुम्हारा न्यूक्लियस और ये अंदर जो लिक्विड होता है इसे हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म, इसे बोलेंगे साइटोप्लाज्म। तो ये ग्लाइकोसिस जो प्रोसेस है वो कहां पे हो रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर, ग्लाइकोसिस प्रोसेस कहां पे हो रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर। A molecule of glucose is oxidized step by step in this process at two molecules of each, that is pyruvic acid, ATP, NADH2 and water are formed. देखो ये statement का मतलब क्या है? ये statement का मतलब क्या वो देखते हैं? देखो होता क्या है? देखो ये cell के अंदर क्या है? Cytoplasm. तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म में क्या होता है ग्लूकोज चला जाता है, क्या चला जाता है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होगा फिर मैंने अभी बताया, देखो ये ग्लूकोज किधर गया वापिस एक बार देखते हैं, देखो अच्छे से एकदम, देखो ग्लूकोज कहां पे पहुंचा साइटोप्लाज्म में, कहां पे पहुंचा साइटोप्लाज्म में। देखो मैंने क्या बोला ग्लूकोज कहां पे जाता है सेल के अंदर, तो सेल के अंदर क्या है साइटोप्लाज्म, चलो यहां पे ग्लूकोज पहुंच गया, सेल के अंदर क्या होता है ग्लूकोज क्या होता है ऑक्सीडाइज है ना। अभी हम लोगों ने देखा सेल मैं जो खाना खाऊंगा वो खाना होता क्या है ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या ग्लूकोज, ग्लूकोज किसके पास जाने वाला है सेल के पास, सेल क्या करेगा ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन है ना, ऑक्सीडेशन मतलब क्या उसे ब्रेक डाउन करेगा, सेल क्या करेगा ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा मतलब ऑक्सीडाइज करेगा। तो अभी ये ग्लूकोज किसके पास जाके पहुंचा सेल के अंदर गया, देखो ग्लूकोज किसके अंदर गया सेल के अंदर, अभी ग्लूकोज है किधर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में है ना, ग्लूकोज देखो ग्लूकोज पहुंचा सेल के अंदर, अभी ये ग्लूकोज कहां पे है साइटोप्लाज्म में, किसके सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है वहां पे ग्लूकोज है, अभी ग्लूकोज का क्या होना चालू होगा ब्रेक डाउन, ग्लूकोज छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होने लगेगा ऑक्सीडाइज होने लगेगा,
और जब ये ऑक्सीडाइज होगा ना, ऑक्सीडाइज, तो मुझे क्या मिलेगा? देखो यहां पे लिखा है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच, दैट इज पाइरुविक एसिड, मतलब मुझे दो पाइरुविक एसिड मिलेंगे, फिर मिलेगा दो एटीपी मिलेंगे, फिर दो एनएडीएच2 मिलेंगे और दो वाटर मॉलिक्यूल, मतलब 2H2O। समझे मतलब क्या? ये पहला स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इजी है। देखो क्या होगा, ग्लूकोज कहां से? देखो ग्लूकोज पहुंच गया सेल के अंदर, ओके सेल के अंदर कहां पे है ग्लूकोज? साइटोप्लाज्म में है ना। साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये लिक्विड होता है। तो अभी ग्लूकोज कहां पे है? साइटोप्लाज्म में है। आ गया सेल के अंदर, ओके अभी सेल क्या करेगा? सेल ये ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज मतलब क्या? छोटे छोटे पार्ट्स में उसे डिवाइड करने लगेगा वो। चलो ठीक है, इसका ऑक्सीडाइज वो करने चालू कर दिया, अभी क्या तैयार हो रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है ना, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। क्या क्या तैयार होगा? ये तैयार होगा दो पाइरुविक एसिड मिलेंगे, दो एटीपी मिलेंगे, दो एनएडीएच2 मिलेंगे, दो H2O मिलेंगे। यहां पे लिखा है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच, मतलब क्या है? मतलब सारे के मुझे दो दो मॉलिक्यूल मिलेंगे, ओके ये सारे जो है ना, इसके कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे? दो, मतलब पाइरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल, दो एटीपी, एटीपी के कितने मॉलिक्यूल? दो, एनएडीएच2 के कितने मॉलिक्यूल? दो, एंड H2O के कितने मॉलिक्यूल? दो, ओके। मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुविक एसिड फॉर्म इन दिस प्रोसेस आर कन्वर्टेड इनटू मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम, ओके। अभी मुझे देखो यहां पे क्या मिला? पाइरुविक एसिड। यहां पे मुझे क्या मिला? पाइरुविक एसिड। अब ये किस में कन्वर्ट होगा? ये कन्वर्ट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। समझे? यहां तक समझा मैंने क्या बोला? देखो वापिस एक बार देखते हैं, ये पूरा स्टेटमेंट क्या है वो देखते हैं। अब तक क्या हुआ वो देखते हैं। देखो ग्लूकोज किसके अंदर जाके पहुंचा है? सेल के अंदर जाके पहुंच गया। अभी ग्लूकोज का, ग्लूकोज सेल के अंदर कहां पे? साइटोप्लाज्म में, सही है। ग्लूकोज सेल के अंदर पहुंचा, पहुंच गया। ग्लूकोज कहां पे अभी? साइटोप्लाज्म में पहुंच गया सेल के अंदर ग्लूकोज। अभी सेल क्या करेगा? सेल ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेगा। क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज मतलब क्या? ग्लूकोज को ब्रेक करना चालू कर देगा। और क्या तैयार करेगा? और क्या मिलेगा उससे हमें? दो पाइरुविक एसिड मिलेंगे, दो एटीपी मिलेंगे, दो एनएडीएच2 मिलेंगे और दो H2O मिलेंगे। सारे के दो दो मॉलिक्यूल मिलेंगे, ओके। अभी आगे क्या होगा? मेरे पास क्या है? दो पाइरुविक एसिड है। मेरे पास क्या है? दो पाइरुविक एसिड है। ये पाइरुविक एसिड किसमें कन्वर्ट होंगे? एसिटाइल कोएंजाइम ए। एंजाइम एंड कोएंजाइम मैंने तुम लोगों को बताया क्या होता है? रिएक्शन करने के लिए हेल्प करता है। तो ये दो पाइरुविक एसिड किसमें कन्वर्ट होंगे? एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होंगे, सही है। और ये प्रोसेस में क्या रिलीज होगा? देखो ये प्रोसेस में रिलीज होगा टू मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2। मतलब जब ये पाइरुविक एसिड में से, देखो पाइरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में जब कन्वर्ट होगा तो क्या मिलेगा? टू NADH2 मिलेंगे एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। समझा? ये पहला पैराग्राफ ग्लाइकोलाइसिस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझा? देखो मैंने तुम लोगों को क्या बोला, ये अच्छे से ध्यान दो। देखो सेल के अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म है। तो ग्लूकोज कहां पे जाके पहुंचा? साइटोप्लाज्म के पास जाके पहुंचा। अभी क्या होगा? सेल को देखो, ग्लूकोज पहुंच गया साइटोप्लाज्म में, पहुंच गया ग्लूकोज, यस। अभी ग्लूकोज का क्या होगा? ब्रेक डाउन, मतलब क्या? ऑक्सीडेशन। तो हमें क्या मिलेगा? दो पाइरुविक एसिड मिलेंगे, दो एटीपी मिलेंगे, दो NADH2 मिलेंगे और दो वाटर मॉलिक्यूल मिलेंगे। तो ये पाइरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होगा? ये पाइरुविक एसिड कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में। इसका कन्वर्जन किस में होता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। जब ये पाइरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है तो क्या रिलीज होता है? 2NADH2। मतलब ये एंजाइम है, इसके कितने मॉलिक्यूल? दो, ओके। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। तो ये हुआ तुम्हारा ग्लाइकोलाइसिस, ओके। तो ये आज के लिए इतना इनफ है,
याद रखना ये वीडियो तुम लोगों को अच्छे से देखना है। ग्लाइकोलाइसिस में तुम लोगों को कल वापस एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके? तो ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये।